दोस्तों मौजूदा वक्त में हर किसी के पास स्मार्टफोन है। जी हाँ, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके पास भी स्मार्टफोन होगा और आपके फोन पर व्हाट्सएप तो होगा ही। आप ही नहीं बल्कि जिस भी व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, मैक्सिमम सभी स्मार्टफोन में व्हाट्सएप जरूरी मिल जाता है। टेक्स्ट के अलावा तस्वीर और वीडियो जैसे कंटेंट शेयर करने के लिए व्हाट्सएप काफी पॉपुलर है। दुनिया में व्हाट्सएप का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवाद देखा जा रहा है। वहीं इस विवाद की सफाई देने के लिए व्हाट्सएप अब अखबारों में फुल पेज के इश्तिहार का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल व्हाट्सएप 8 फरवरी से नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आ रहा है। हालांकि इस पॉलिसी के आने से पहले ही इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के बीच व्हाट्सएप लगातार बचाव में सफाई दे रहा है। तो क्या आपको मालूम है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है और इससे आपको कितना हानिकारक हो सकता है, आपको कितना नुकसान होगा और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत कंपनी यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करेगी। जिस पर व्हाट्सएप का कहना है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी यूजर्स का पर्सनल मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्शन के जरिए सुरक्षित है। इस सिक्योरिटी को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने जो नई प्राइवेसी पॉलिसी पेश की है उसे यूजर्स को 8 फरवरी 2021 तक एक्सेप्ट करना होगा। इसके लिए आप व्हाट्सएप के हेल्प सेंटर पर जाकर पॉलिसी में एग्री और नॉट एग्री का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें लिखा है कि हमारी सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए यानी कि यूज करने के लिए आपके व्हाट्सएप कंटेंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर किया जाएगा। यानी कि आपके व्हाट्सएप में जितना सारा कुछ होगा, आपके मोबाइल में जितना कुछ होगा, वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के साथ शेयर किया जाएगा। जी हां, आपके मोबाइल का डाटा दूसरे को शेयर किया जाएगा, दूसरे को दिया जाएगा। अब डाटा मतलब आपके नेट एमबी नहीं बल्कि आपके मोबाइल का सारा चीज व्हाट्सएप एक्सेस कर लेगा। जी हां, यानी कि आपके मोबाइल में जितने भी फोटो हैं, वीडियो हैं, मोबाइल नंबर सेव करके रखे हैं या फिर आप ऑनलाइन पैसे का लेन देन करते हैं, साथ ही आपके व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर, आपकी व्हाट्सएप की स्टेटस, आपने व्हाट्सएप में क्या नाम लिखा हुआ रखा है, आपको सीधे बता दूं तो आपका नाम भी व्हाट्सएप जान लेगा। जी हां, आपके पास कौन सा मोबाइल है और इसका मॉडल क्या है, आपके मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कौन सा है, आपके मोबाइल की बैटरी लेवल क्या है, आपकी वाईफाई, आप किस टाइम जोन में रहते हो और आप कहां रहते हो, किस जगह रहते हो, यानी कि आपकी लोकेशन, वो सारा कुछ व्हाट्सएप के हाथ में होगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी हां, इसे आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि यह पॉलिसी तभी लागू होगा जब आपके पास नई प्राइवेसी पॉलिसी का पॉपअप आएगा जिसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। जी हां, इसके लिए आप एग्री पर टैप करते हैं तो फिर आप कंपनी की नई प्राइवेसी पॉलिसी को अपनी सहमति दे देंगे। जी हां, अगर आप इस पॉपअप में अपनी सहमति नहीं देते हैं तो फिर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नई पॉलिसी को आपको एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं, यह पूरी तरीके से आपके ऊपर है, आपके हाथ में है। जी हां, अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो फिर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा, आप व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। जी हां, अगर आप एग्री करते हैं तो फिर आपको व्हाट्सएप पेपर कुछ भी एक्सेप्ट करने से पहले अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखना होगा। जी हां, अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो फिर यह बात आप ध्यान में रखें कि व्हाट्सएप पर केवल वही शेयर करें जिसके लीक होने से आपको कोई नुकसान ना हो। जी हां, आपको इससे जुड़ी एक और खबर बता दें कि व्हाट्सएप की 8 फरवरी से लागू होने वाले नए प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। जी हां, याचिकाकर्ता ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ बताते हुए उस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। व्हाट्सएप की नई डेटा और प्राइवेसी पॉलिसी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि नई नीति भारत के नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन करती है। वकील चेतना रोहल्ला की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यह नीति किसी भी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधि में 360 डिग्री प्रोफाइल व्यू देती है। इसके साथ ही याचिका में व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी का हवाला देते हुए कहा गया है कि इसे किसी भी व्यक्ति की निजी और फिर व्यक्तिगत गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है और यह काम बिना किसी सरकारी निरीक्षण के जरिए किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने व्हाट्सएप की ओर से आने वाले नई प्राइवेसी पॉलिसी पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। वहीं अब व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सफाई दे रहा है। इसी क्रम में व्हाट्सएप ने अखबारों का सहारा भी लिया है। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के बचाव में फुल पेज के अखबारों में इश्तिहार दिए हैं, यानी कि विज्ञापन दिए हैं। इन इश्तिहारों के जरिए व्हाट्सएप ने बताया कि व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी का सम्मान करता है और उसकी सुरक्षा करता है। व्हाट्सएप का कहना है कि आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा हमारे डीएनए में है। इश्तिहार में व्हाट्सएप का कहना है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन के जरिए व्हाट्सएप ने लोगों को निजी कम्युनिकेशन में मदद की है। हमारी नई प्राइवेसी पॉलिसी में भी इसका ध्यान रखा गया है और आपके फ्रेंड और फैमिली के किसी भी मैसेज को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों, यह था 8 फरवरी 2021 से आने वाले व्हाट्सएप की ओर से नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में।
जी हाँ, अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए।